दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आप में से कई लोगों के माइंड में रहता है कि पर स्क्वायर फीट किचन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अब जब भी किचन बनवाने का काम के बारे में सोचते हैं और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, वेंडर से बात करते हैं, तो कई लोग आपको बोलते हैं कि इसका 800 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा, कोई बोलता है 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा, कोई बोलता है 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा। तो ऐसे में करेक्ट प्राइस क्या होनी चाहिए एक मॉड्यूलर किचन की, आज का वीडियो हमारा उसी के ऊपर है। हम ये जानेंगे कि आपको नेगोशिएट करते टाइम पे किस तरह से अपने किचन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में या वेंडर के साथ में डील करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टैक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले पर स्क्वायर फीट किचन कॉस्टिंग आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो समझ लेते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो टोटल स्क्वायर फीट ऑफ टोटल पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ किचन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ किचन डिवाइड बाय टोटल स्क्वायर फीट इन द किचन। तो आपका जो है पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग निकल के आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके लिए आप देख पा रहे हो हमें दो फैक्टर्स की जरूरत है, एक अपने को जरूरत है टोटल कॉस्ट की किचन की और दूसरा जरूरत है टोटल स्क्वायर फीट की। तो दोस्तों इस वाले फैक्टर को अगर अपन देखें तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। मटेरियल में जैसे कि आपका प्लाईवुड आता है या फिर हार्डवेयर आता है या फिर जो भी आपके मटेरियल लगने वाले हैं किचन के अंदर, और लेबर यानी कि उसका इंस्टॉलेशन, तो दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ गया। और जो नीचे आपका टोटल स्क्वायर फिट है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार आप यहाँ पे जैसे हमारा एग्जांपल वाला किचन है इसमें देख पा रहे हो, तो आपका जो टोटल स्क्वायर फीट यहाँ बनेगा वो बनता है आपका ये वाला एंड से शुरू करके, अगर अपन इस कैबिनेट बॉटम वाले कैबिनेट का यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का पूरा लेंथ नापें, है ना, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर फीट निकल के आएगा। इसी तरह से ओवरहेड कैबिनेट का पूरा यहाँ से स्टार्ट करके और इसका अपन लेंथ लें और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो अपना ऊपर वाले कैबिनेट का स्क्वायर फीट निकल के आएगा। दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल स्क्वायर फीट निकल के आएगा। ये टोटल स्क्वायर फीट कैसे कैलकुलेट करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में इसी किचन का स्क्वायर फीट निकाल के एक वीडियो डाली भी, पोस्ट करी भी, वो चाहो तो आप उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हो किस तरह से स्क्वायर फीट कैलकुलेट करना है। बाकी अभी के लिए मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है स्क्वायर फीट कैलकुलेशन का तरीका। जब ये दोनों फैक्टर आपके पास हैं तो आप पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग निकाल पाओगे। दोस्तों हम देख लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं कि आपका जो टोटल अपना जो कॉस्टिंग निकल के आया अपन ने मटेरियल में जो हार्डवेयर है, प्लाईवुड है, लैमिनेट है, बाकी सारी कॉस्टिंग को ऐड करा तो अपना निकल के आया मान लो 1 लाख रुपीज़, है ना, अपना सारा मटेरियल निकल के आया। लेबर अपनी निकल के आएगी 30,000 रुपये, तो 1,30,000 टोटल हुआ। उसका अपना मान लो टोटल जो किचन का स्क्वायर फीट था वो अपना निकल के आया 100 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे 1,30,000 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो अपना जो है 1,300 रुपये पर स्क्वायर फीट किचन की कॉस्टिंग निकल के आई, है ना। तो ये आपका जो है किचन का पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड होता है। दोस्तों अब यहाँ समझ लेते हैं कि जो पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन है वो किस तरह से वेरी कर जाती है, कहीं पे 800 पे पहुंच जाती है, कहीं पे 3000 पे पहुंच जाती है या 2000 पे पहुंच जाती है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही जज कर पाओगे कि आपको पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन के हिसाब से अपना किचन नेगोशिएट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो अपन ड्रॉअर सिस्टम यूज़ करते हैं, मैं कुछ 2-3 वेरिएंट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ड्रॉअर सिस्टम जो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था एक इनोटेक ड्रॉअर सिस्टम आता है जो कि इस तरह का नज़र आता है, इस तरह का इनोटेक ड्रॉअर सिस्टम आता है। ये जनरली वायर बास्केट जो आपकी आती है, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ वायर बास्केट किस तरह की रहती है। ये जो आपकी वायर बास्केट आती है, इस तरह की जो बास्केट्स रहती हैं, इससे जो इनोटेक की कॉस्टिंग है टोटल कॉस्टिंग मतलब फिटिंग और सारा कुछ मिला के लगभग 2.5 से 3 गुना कॉस्टिंग रहती है आपकी इनोटेक की कंपेयर टू वायर बास्केट। इसी तरह से आपके जो फ्रंट के पल्ले आते हैं, जैसे कि जो पल्ला ये हमारा लेमिनेटेड वाला लगा हुआ है, इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग मान लो 400 रुपये आ रही है, तो अगर यहाँ पे आप एक्रेलिक का शटर यूज़ कर लोगे तो उसकी स्क्वायर फीट कॉस्टिंग 600-700 रुपये जाती है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, बास्केट्स के टाइप के ऊपर भी बनाया हुआ है, इसका भी लिंक आपको नजर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, और शटर्स के ऊपर भी बनाया हुआ है कि पर स्क्वायर फीट किस तरह से वेरिएशन रहता है। तो ऐसे में जो है आप टाइप ऑफ शटर कौन सा यूज़ कर रहे हो, बास्केट्स कौन सी यूज़ कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं, मान लीजिए अपन ने एक सेक्शन बनाया, जो एक किचन बनाई 100 स्क्वायर फीट की, उसमें अपन ने सारी वायर बास्केट काम में ली, इस तरह की वायर बास्केट काम में ली अपन ने, तो ऐसे में मान लो आपका जो मटेरियल का कॉस्टिंग है वो आपका, और लैमिनेट फिनिश काम में लिया, तो ऐसे में मटेरियल का कॉस्टिंग आपका बैठ रहा है अपन ऐसा लिया मान लीजिए 1,30,000 बैठ रहा है। और वहीं अगर मान लीजिए आप इनोटेक काम में लोगे उस किचन के अंदर, इस तरह के ड्रॉअर सिस्टम्स काम में लोगे, तो हो सकता है कि और इसमें एक्रेलिक लगा लोगे शटर के अंदर, है ना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब रोलिंग शटर भी काम में ले लोगे आप,
ऐसे काफी सारे प्रीमियम हार्डवेयर काम ले लोगे तो हो सकता है आपका जो किचन का मटेरियल कॉस्ट है वो 2.2 या 2.3 लाख के आसपास पहुंच जाए, लेकिन पर स्क्वायर फीट जो टोटल स्क्वायर फीट है वो तो 100 ही रहने वाला है। ऐसे में जो पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग है वो 2500 भी पहुंच सकता है और 3000 भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर खास बात यह है कि जब हम अपने किचन का वेंडर को वर्कआउट वर्क देते हैं और ये चीज देखते हैं कि भाई कोई मेरे को 800 रुपए पर स्क्वायर फीट में दे रहा है या 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट में दे रहा है, तो हमें काफी सारी नॉन क्लैरिटी वाली चीजें रहती है। आपने मान लो सिर्फ इसी बेसिस पे कि कोई आपको 1000 रुपए दे रहा था, कोई आपको 1500 रुपए दे रहा था, आपने उसको 1000 रुपए वाले को फाइनल कर लिया, लेकिन ये चीज नहीं समझी कि उसके अंदर वो ड्रॉअर सिस्टम कौन से काम में लेने वाला है, उसके अंदर वो रोलिंग शटर लगा के देगा नहीं देगा, पेंट्री किस तरह की काम में लेगा, है ना। मटेरियल अपन ने डिस्कस ज्यादा नहीं किया या करा तो थोड़ा बहुत किया। इसमें एक वेरिएशन और आता है, जैसे मान लीजिए आपके किचन के अंदर काफी सारे सेक्शंस बनने वाले हैं। अब इसमें से एक तरीका तो ये कि सारे ड्रॉअर सेक्शंस ही बने से हमने बना रखे हैं, है ना, या फिर कहीं जगह जरूरत रहती है कि हमें ओपनेबल कैबिनेट भी बनाना है। ओपनेबल कैबिनेट कैसा? इस तरह का, जिसमें अंदर कोई ड्रॉअर सिस्टम नहीं लगाना, अपने को सिर्फ ओपनेबल कैबिनेट बनाना है। तो दोस्तों इस वाले एरिया में अगर आप मटेरियल कंजम्पशन देखोगे सिर्फ इस पल्ले की हो रही है और अंदर लगने वाले हिंजेस की हो रही है, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम आएगी कंपेयर टू ये वाला सेक्शन जिसके अंदर तीन ड्रॉअर सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अंदर तीन ड्रॉअर सिस्टम्स लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी लगभग मान लो तीनों ड्रॉअर्स की पर ड्रॉअर 3000 रुपए के हिसाब से भी देखें तो 10000 रुपए 9000 रुपए कॉस्टिंग होगी, और इसके अंदर तो सिर्फ पल्ला पल्ला लगा हुआ है तो इसकी कॉस्टिंग तो अपनी कितनी हुई 600 रुपए भी नहीं हुई, 800 रुपए हुई मान लो। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो पर स्क्वायर फीट के अंदर इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में कितना अंतर है। अब आपने किचन नेगोशिएट करा और उसके अंदर मान लीजिए एक वेंडर आपको काफी ज्यादा ड्रॉअर सेक्शन दे रहा था और एक वेंडर ने आपको वहां पे ओपनेबल कैबिनेट प्रोवाइड कर दिए, तो आपका जो पर स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाता है। तो हमें ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी आप अपने किचन को नेगोशिएट करें तो मेरा आपको पर्सनली एडवाइस ये रहेगा कि आप मटेरियल प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बेस पे करें, ना कि पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग के बेसिस पे करें। दोस्तों अपन डिफरेंस देख लेते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। अगर आप ये देख पा रहे हो तो मटेरियल कॉस्टिंग प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट का बजट कुछ इस तरह का नजर आता है, जिसके अंदर हमें ये स्पेसिफाइड रहता है कि कौन सी ड्रॉअर्स कितनी लगेगी, इसके अलावा हमारा कौन सा वुड टाइप काम आएगा, कौन से शटर्स टाइप काम आएंगे, कौन से हैंडल्स काम आएंगे, कौन से हिंजेस काम आएंगे, किस ब्रांड के आएंगे, प्लस उसके अंदर नीचे इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से मेंशन रहती है। तो हमें काफी सारा ट्रांसपेरेंसी रहती है कि क्या क्या चीजें काम आने वाली है और किस तरह से वर्कआउट होगा। और एक तरफ अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ टोटल पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग रहेगी कि 1000 रुपए लगेगा या 1200 रुपए लगेगा, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन बहुत मामूली सा दिया होता है, कई बार दिया भी नहीं होता, या तो उन्होंने दिया होता है कि हम प्लाईवुड में बना देंगे और इसमें इतनी इतनी बास्केट्स यूज कर लेंगे, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन हमें पर स्क्वायर फीट वाली ब्रांड में नहीं मिल पाता। और जब भी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें कस्टमाइज कराना चाहते हैं पर स्क्वायर फीट के केस में, तो वहां पे हो सकता है किचन कॉन्ट्रेक्टर आपसे एग्री ना करे, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, आपने बोला कि नहीं, उसके मान लो दिमाग में था कि दो बास्केट के हिसाब से बजट हमने दिया हुआ है, आप बोलोगे नहीं 4 बास्केट चाहिए, तो हो सकता है वो आपको मना करे, लेकिन यहाँ पे वो चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ड्रॉअर सिस्टम बढ़ाओगे तो आपको ट्रांसपेरेंटली नजर आ रहा है कि 2 ड्रॉअर्स की जगह 4 ड्रॉअर्स होने वाली है, तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो जो ये वाला मेथड है मटेरियल प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट वाला, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कंपेयर टू पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग। दोस्तों जो पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग होती है बेसिकली उस जगह काम आती है जहां पे बेस आप सेम रख रहे हो, जैसे कि आप फ्लोरिंग देख रहे हो ये वाली, अब आपको फ्लोरिंग लगानी है विनाइल फ्लोरिंग जैसे यहाँ पे लगी हुई है, या फिर जो आपको टाइल्स लगती है, काउंटर टॉप लगता है, तो अभी काउंटर टॉप एक ही तरह का लगने वाला है, तो यहाँ पे आप पर स्क्वायर फीट में आपको ठेका दे सकते हो, पर स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो कि भाई आप इसको 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में लगा के दो, क्योंकि सब जगह एक ही लगने वाला है। लेकिन किचन में ऐसा नहीं होता, किचन में क्या होता है कहीं पे ड्रॉअर्स लगती हैं, कहीं पे ओपनेबल कैबिनेट लगता है, कहीं पे आप देखोगे तो किस तरह के कॉर्नर्स लगते हैं, है ना, कहीं पे आप देखोगे तो इस तरह के जो है डस्टबिन होल्डर्स लगते हैं, तो काफी सारा वेरिएशन रहता है इंटरनली। तो ऐसे में पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग पे अगर अपन चीज को देते हैं तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कम रहती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से नेगोशिएट करना है, किस तरह का बजट अपने को चाहिए अपने किचन के लिए, है ना। तो इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग पे किचन पे क्यों नहीं जाना चाहिए और हमें क्यों मटेरियल प्लस इंस्टॉलेशन में जाना चाहिए। दोस्तों किचन कॉन्ट्रैक्ट देने का एक तरीका यह भी होता है कि आप मटेरियल खुद कॉन्ट्रैक्टर को लाके दे रहे हैं, उसको सिर्फ लेबर बेसिस पे हायर कर रहे हैं, तो उस केस में तो पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने मटेरियल खुद प्रोवाइड कर दिया कि भाई मैं आपको मटेरियल बाय करके दे दूंगा, आपको सिर्फ फिटिंग करनी है, तो आपकी फिटिंग की कॉस्ट कितनी है पर स्क्वायर फीट, तो वो तरीका तो सही है। उसके अंदर आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है आपसे 250 या 300 या 350 चार्ज करे, उसमें इतना वेरिएशन नहीं होता, वो आप उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना
कितना उसका एक्सपीरियंस है और कौन से फिटिंग्स आप लगा रहे हैं, उसके हिसाब से 250 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है। लेकिन अगर आप विद मटेरियल काम देने जा रहे हैं तो उसके अंदर मटेरियल प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट के हिसाब से हमें बजट लेना चाहिए, ना कि हमें जो है बजट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना चाहिए। तो ये एक काफ़ी लोगों का सवाल था, काफ़ी लोग मेरे से यूट्यूब के थ्रू कॉमेंट करके या फिर फ़ोन पर पूछते थे कि किचन का पर स्क्वायर फीट बजट सही क्या है। तो इसके अंदर सही की कोई परिभाषा नहीं है, ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर 800 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला भी सही हो सकता है और 3000 वाला भी सही हो सकता है। तो जो सही है वो ये है कि आप मटेरियल अलग से बताएं क्या लेने वाले हैं और आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से लें। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल के ऊपर लाते रहते हैं मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड। हमारा एक ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग का सर्विस भी अवेलेबल है, इसके अंदर हम कंसल्टेंसी भी देते हैं और साथ में डिज़ाइनिंग भी करते हैं 2D और 3D में। अगर आप अपने किचन का ड्राइंग कराना चाहते हैं, पहले समझना चाहते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कैसा किचन बनना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो आप सर्विस अवेल कर सकते हो। उससे रिलेटेड हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। आप इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।